जय गुरुदेव। मेरा सवाल ये है कि जो चीज आपको आज अच्छी नहीं लग रही है वो चीज क्या कल आप पसंद कर पाएंगे? हाँ, हो सकता है। सर मान लीजिए आज आपको एक चीज आपके साथ आपके फ्रेंड का एक ऐसा व्यवहार है जो आप आज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड द पर्सन एज इट इज, लेकिन कल वो दोबारा से वही करेगा। उसको आप जब तक अपना शो नहीं करेंगे कि आपको वो चीज बुरी लगी, उस पर अपना एंगर शो नहीं करेंगे, वो नहीं समझेगा। अगर आप शो नहीं करेंगे तो उसे लगेगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, देन स्टार्ट टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। सो हाउ टू शो इट? Yeah, you show anger, but you don't have to become angry. ठीक है, तो उनको देना, अभी टाइम हो रहा है। एक क्वेश्चन टू आस्क कि अगर मान लीजिए कोई बड़ी सिचुएशन है जिसमें अगर हम बड़ी सिचुएशन में कुछ शो करते हैं तो उससे ऐसा होगा कि रिलेशनशिप टूट सकता है। अब हम छोटी सिचुएशन में शो करते हैं तो खुद को लगता है कि छोटी छोटी बातों में इतना शो कर रहे हैं, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तुमने उत्तर दे दिया तुम्हारे क्वेश्चन में? यह क्वेश्चन कंटेन्स आंसर, उसको एक बार फिर से सुन लेना तुम खुद। उनको दे देना, इनको गिव इट टू दिस बॉयज टाइम फॉर लॉन्ग टाइम। बाबा जी इस युग में जो लोग बुरे काम करते हैं, कष्ट दुश्मन देते हैं, बेईमानी करते हैं, वो लोग अब देखते हैं कि हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, जबकि जो अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी करते हैं, वो हमेशा कष्ट भोगते हैं। जब उसका जब ये सब मैंने जानकार हॉस्पिटल, उन्होंने ये कहा कि एक पिछले जन्मों का उसका गलत काम होता जो कि इस जन्म में वो गलत वो दुख भोगता है। सुनो बाबा जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, और मैं समझ गया कि बाबा जी इस जन्म का फल इसी जन्म में मिलना चाहिए, अगले जन्म में नहीं। बाबा जी धन्यवाद। बाबा जी मैं हमको जल्दी सिर्फ तुम्हें लगता है कि जो गलत काम करता है वो आगे बढ़ता जाता है, ये है ना, और जो अच्छा काम करता है वो नीचे बैठ जाता है। मगर आप ये नहीं देख रहे हो जो गलत काम करके बड़े हैं वो लोग सब कैसे गिरे हैं, इसका ख्याल है तुम्हें? सुनो, गलत ढंग से जरा सुनो, गलत ढंग से जितने लोगों ने पैसे कमाया, एक अमेरिका में एक आदमी था मैड हो, उसके सामने खड़े होकर उसके साथ तस्वीर खींचने खिंचवाने के लिए हमारे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग लालायित होते थे। अरे मैडोफ के साथ मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, आज पता है कहाँ मैडो मैडोफ कहाँ है? जेल में बंद है। कोडा अपना सीएम रहे कोई झारखंड के, कहाँ है आज? इस तरह से जितने लोग बेईमानी से ऊपर उठे, मैं कहता हूँ वो गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे। अच्छा, मैं अच्छा हूँ इसीलिए मैं कष्ट पा रहा हूँ, ये मत समझना। तुम अच्छे हो सकते हो, साथ में बेवकूफ भी हो सकते हो। भाई तुम अच्छे हो, कोई नहीं पूछते तुम अच्छे हो कि बुरे हो क्या है, मगर तुम युक्ति है तुझमें, स्किलफुलनेस है क्या? तो युक्ति के साथ जीवन में चलो। चार चीज जीवन में आवश्यक है, क्या? शक्ति और युक्ति। शक्ति और युक्ति के बिना समाज में सफल नहीं हो सकते, भक्ति और मुक्ति के बिना जीवन में नहीं सफल हो सकते। तथाकथित लोग जो तुम समझते हो जीवन में बहुत सफल हैं, तुम उनको मिले हो क्या कभी? मिलके तो देखो, इतने दुखी है, नींद नहीं आती भाई इनको। बॉलीवुड के तुम समझते हो ये सब स्टार्स बड़े मस्त होंगे, बड़े सुखी हैं, कितने लोगों में आत्महत्या करने की टेंडेंसी है पता है तुम्हें? हमने एक एडवर्टाइजमेंट है कि 20 दिन में नहीं 10 दिन में 20 आत्महत्या हुई, कहा मुंबई में, वो बात पता है क्या उन्होंने? तो जब ये ऐसी बात हरकत होती रही, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट है हेल्पलाइन आर्ट ऑफ लिविंग, तुरंत फोन करिए,
पता है 48 घंटे के अंदर 250 फोन कॉल्स आए मुंबई में एक एडवर्टाइजमेंट 250 फोन कॉल्स आए और इस तरह से 500 लोग आए एक शिविर में। उनमें लोगों ने एक तो कहा कि फादर एंड सन दोनों जने आए थे बाप और बेटे, बोले हम इतवार को हमने सोचा दोनों आत्महत्या कर लेंगे पवाई लेक में कूद कर, पर उससे पहले ये तो कोर्स तो क्या है देख तो लेंगे। आए फिर उन्होंने तो देखा कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे। तो ये जो टेंडेंसी है, तो जिसको तुम तथाकथित आदमी बड़े फेमस है, कितना पैसा है, सड़ने जैसे पैसे उस व्यक्ति के जीवन तुम देखो, खोखलापन है, हिम्मत नहीं है, उसके दोस्त नहीं है और दुखी है, दुखी है भाई, ऐसे पावर में रहता है। कोई समझते तुम पावर में बैठा है उधर दिल्ली में, बैठो सुनो तो उस व्यक्ति से तुम पूछ के तो देखो तुम इतने पावरफुल है, पावरफुल हो क्या? मैं बताता हूँ, बताऊंगा तुमको, बिल्कुल नहीं, घबराहट होता है उसको, घर में अकेले रहने में घबराहट होता है, लोगों के साथ रहने में घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, मगज का प्रॉब्लम है, पता है क्या क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो तुम ये नहीं सोचना गलत काम करके आगे लोग बढ़ रहे हैं, गलत काम करने वाले बहुत परेशान है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान, दिखा नहीं रहे तुमको। जो जो बड़े बड़े एक्टर लोग और एक्ट्रेसेस तुम लोग समझते हो, पता है इनके भीतर इतना कंपटीशन, इतना ईर्ष्या है, इतना दुखी है उस बात को लेके, उसके चेहरे में एक मुस्कान नहीं आता, तुम अच्छे मुस्कुरा रहे उनसे ज्यादा। मगर यदि तुम्हारे हमें लगता है कि मैं सच्चे मार्ग में चल रहा हूँ फिर मुझे नुकसान हो रहा है, मैं कहूंगा तुम्हारे में युक्ति की थोड़ी सी कमी है। क्या युक्ति? युक्ति मैंने जानता हूँ स्किल, युक्ति। देखो भगवान कृष्ण में युक्ति रहा, तभी तो उन्होंने धर्मराय कहते मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, सबको मुसीबत में डाल दिया। भगवान कृष्ण है, उनमें युक्ति भी थी, प्लेफुलनेस भी था, वो समझ भी थी। इसलिए समझ के साथ काम करोगे तो कभी कोई वैसा नहीं होगा। पता है मैं आपको बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ इस मामले में, पता है बहुत सारा है। तुम लोग अपना वेब पेज में जाके देखना, सिल्वर जुबली सर्विस। 25 लाख लोग आए, कितना 25, दुनिया के सबसे बड़ा प्रोग्राम था एक जगह कुंभ मेला को छोड़ के, पर एक ही प्रोग्राम एक ही जगह एक ही फील्ड में 25 लाख लोग आए और किस स्किलफुली वो काम हुआ, इट्स ए मैटर ऑफ स्टडी। अभी सब टाइम क्या हो रहा है, 7 बज गया ना, तो ये काम करते हैं हम लोग, अभी एक भजन करते हैं। ये बहुत एक ये मौन की गूंज है, सेलिब्रेटिंग साइलेंस, ये सब किताबें ये सब पढ़ लेना। देखो आई हैव हैड यूथ्स हु आर गुड फॉर नथिंग, अभी वो सब एंटरप्रेन्योर बने। गांव के लड़के लोग हमारे पास आए थे, गुरुजी हमें एक बस ड्राइवर कंडक्टर बना दीजिए, इसमें जॉब दिला दीजिए। ऐसे ऐसे लड़के अभी दे ऑल बिकम एंटरप्रेन्योर्स, एक एक के अंदर 100-200 लोग काम कर रहे हैं। इस तरह की क्षमता तुझ में है, यू तुम्हारे भीतर वो पर्सनैलिटी खिलनी चाहिए। ये 3 दिन का 2-2 घंटे तो बहुत कम समय है एक्चुअली, इसन्ट इट? तो 2-2 घंटे 3 दिन में आपने इतना पाया, इतना समझा, थोड़ा और टाइम लो, आपका मन के जो भी प्रश्न है वो भी सॉल्व होगा और आपके भीतर स्किल भी जागेगी, कैसे काम सफल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है ना? हाँ, मेरे को अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, अभी बहुत लोग वेट कर रहे हैं।
क्या बोलो 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 तो सही गलत डिसाइड करने वाला होता कौन है? इट्स लाइक हमारे अंदर होता है, किसी के लिए कुछ सही होता है, किसी के लिए गलत होता है। जैसे गांव के लोगों के लिए जीन्स पहनना भी गलत होता है, बट वो नॉर्मल लोगों के लिए कम्फर्ट वेयर होता है। तो ये तो सबकी अपनी पर्सनल डेफिनेशन होती है क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, मेरे हिसाब से जो किसी को ना हर्ट करके कुछ भी करना गलत नहीं होता। तो तुम्हारा अपना अपना आइडिया दी ना, देखो ये किसी ने भी इसको पढ़ा, इसने गलत पढ़ा, इसने पढ़ा गलत पढ़ा। क्या यहाँ पर हम करते हैं ऐसे में? अब क्या हुआ, इसमें जितने टिश्यू है इस सब का लाइफ खत्म हो गया, ताकि अभी फट दे ना पूरा, तो सबको यूज करना ही पड़ेगा। लो लो ऐसे टिश्यू लेके सब पहुंच लो। क्या सही क्या गलत ये मैं नहीं उत्तर देने वाला हूँ, तुम्हारा ही चेतना दे दे। थोड़ी की थोड़ी समय के लिए सुख के लिए लंबा टाइम तक दुख झेलना हो ये बेवकूफी है, गलत है। दीर्घ काल सुखी रहने के लिए थोड़े देर के लिए थोड़ा मुसीबत भी क्यों ना उठाना पड़े, वो सही है। अच्छा अभी भजन करते हैं। देखो आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम इज स्टार्ट फ्री इन विलेजेस, गांवों में, जेलों में, अस्पताल में, गरीब गरीब जगह पर, पूरा फ्री फ्री। बैठो बैठो बैठो, मैं बताता हूँ। जयपुर से आया हूँ राजस्थान से, मैंने मेरी लाइफ में पहली बार यहीं पे देखा। बैठो। हाँ तो जयपुर से आप आए हो ना, सोच कर आए जयपुर से? अच्छा तो आर्ट ऑफ लिविंग सबको सब जगह फ्री करते भी हैं। अच्छा जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो आके टीचर से बात करें, उनको फ्री करते हैं। मैंने देखा, देखो पहले मैंने फ्री कोर्स जब अनाउंस किया हमारे लोग कदर ही नहीं करते उसको, आएंगे बोलेंगे मेरे को वहां मेरे चाचा आ रहे हैं उनसे मिलने जाना है, या मेरे को दूसरा कोई काम है जी। तो एक दिन आएंगे, आधा घंटे बैठेंगे, फिर भाग जाएंगे। तो जो मुफ्त में मिलता है उसका कोई कदर नहीं होता। अब तुम जूते पहन जूता खरीदते हो, कितने रुपए देके जूते खरीदते हो? 3000। जूते कितने के खरीदते हो? तो जो भी एक एक स्वेटर खरीदते हो, एक जूते खरीदते हो, जाके होटल में खाना खाते हो, तो हमें इसीलिए कहते 600-500-600 जो भी है, तीन दिन आपको जो कोर्स करेंगे इसमें थोड़ा सा फीस रखे करते, तो लोग उसमें बिल्कुल अटेंशन के साथ करते हैं। ये हमारा अनुभव रहा कई जगह, जैसे बिहार के गांव में हमने कहा ये तो बहुत गरीब जगह है, यहाँ मुफ्ती मुफ्त करो। जब फ्री में किया, पहले दिन 50 लोग आए, एक घंटे बाद थोड़े से लोग खिसक निकले, दूसरे दिन तीसरे दिन 10 आदमी के साथ टीचर बैठे रहे। बेचारे टीचर इतना अपना टाइम दे करके वहां सिखाने के लिए आते हैं, इनको कुछ पैसे तो नहीं मिलता है, ये इतना अपना सेवा करते हैं आके, इनका टाइम भी खराब, और वही फीस रख के करते हैं। सब पैसे दिया तो पूरा फायदा उठाना चाहिए, लोग आके बैठते हैं तीनों दिन, ये सब सोच समझ के किया। अच्छा इसमें कुछ 25% जो बचता है वो पता है कहाँ जाता है? अपना 100 स्कूल चलते हैं फ्री स्कूल्स, गरीब बच्चों के लिए, आदिवासी।
100 स्कूल चलते हैं, 25 तो उनमें से त्रिपुरा में चल रहे, 30 स्कूल त्रिपुरा में चल रहे हैं और ऐसे ऐसे नक्सल एरिया में चल रही है झारखंड में स्कूल, उन बच्चों को कपड़ा भोजन पढ़ाई सब फ्री में जा रहा कर रहे हैं। 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे स्कूलों में। तो ये जो है ना, ये सब तुम लोग को थोड़ा सोचो, क्या तुम लोग कितने पेप्सी में, कोको कोला में और सिनेमा देखने में, एक सिनेमा कितने पैसा देके जाते हो? 50? सौ रुपया देके आप एक मूवी देखने जाते हो, और वो पैसे जाता है कौन? कोई वहां एक्टर्स को जाता है मुंबई में, कोई खान, कोई कुछ, किसी को, हाँ, कोई बच्चन, कोई खान, किसी के जेब में जाता है वो सब पैसे। वो लोग ऐश करते हैं। यहाँ जो पैसे तुम जेब के सीखते हो, ये कहाँ जाता है? ये सीधा बच्चों के एजुकेशन में जाता है ना? क्या चुप हो गए? इसलिए हमने कहा कि हमें फ्री रखने से तो लोग सीखते नहीं, मगर गांव में करते, गांव में जो लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, जेलों में कहां कर पाएंगे? जेल, सभी जेलों में कोर्स होता है तो वो बात अलग। अच्छा टाइम क्या हो रहा है? 7:30। अच्छा आज तुम लोग जब जाओगे ना, अपने पेरेंट्स को थैंक्स नोट को धन्यवाद दो, ठीक है? ऑलरेडी आई लव यू फॉर यू गिव इट योर पेरेंट्स। क्या बोले लोग? नहीं, उनसे रिएक्शन कुछ मिला क्या? हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स वर सरप्राइज? आज बोला आज क्या हो गया तुम्हारा? इसी तरह से हम टीचर्स को भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, नो? वी शुड हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द टीचर्स, गिव देम रिस्पेक्ट, ओके?